दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा आम खाया है जिसकी कीमत 3 लाख रुपए हो? क्या आपने कभी ऐसे अंगूर खाए हैं जिसकी कीमत 8 लाख रुपए तक हो? क्या आपने कभी ऐसा तरबूज खाया है जिसकी कीमत 60 लाख रुपए तक हो? क्या आपने कभी ऐसा सेब खाया है जो 500 रुपए में एक मिलता हो? क्या आपने कभी बुद्धा के सेब में किसी राष्ट्रपति को देखा है? शायद नहीं देखा होगा, और ना ही कभी इतने महंगे फलों के बारे में सुना होगा। इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही खास वीडियो, जिसमें आप दुनिया के 12 सबसे महंगे महंगे फलों के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर हमेशा ज्ञानवर्धक वीडियो ही मिलती रहेंगी, जो आपके लिए काफी लाभदायक रहेंगी। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 12, ब्लैक डायमंड एप्पल। आज तक आपने लाल या फिर हरे रंग का सेब के बारे में ही सुना होगा, लेकिन आज हम आपको दिखाते हैं ब्लैक एप्पल। ब्लैक एप्पल को ब्लैक डायमंड एप्पल भी कहा जाता है। कहने को तो ये ब्लैक है, पर सिर्फ इनका नाम ही ब्लैक है, क्योंकि इनका असली रंग बैंगनी है, जो कि तिब्बत के बागानों में पाए जाते हैं। जहां यह पाए जाते हैं, वहां के दिन और रात के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। दिन के समय में सेब को काफी ज्यादा धूप मिलती है, जिसकी वजह से सेबों का कलर काला या फिर बैंगनी हो जाता है। इस सेब को किलो के भाव से नहीं, बल्कि एक सेब के भाव से बेचा जाता है, जिसकी कीमत करीब 500 रुपए तक होती है, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग इस सेब को गिफ्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। नंबर 11, डेकोपोन साइट्रस। अगर आपको संतरे खाने का शौक है, तो आप जापान के डेकोपोन संतरे को खाकर देखिए। यह दुनिया का सबसे लजीज संतरा है, लेकिन हाँ, यह एक संतरा आपको काफी महंगा पड़ेगा। देखने में नॉर्मल संतरे से थोड़े बड़े हैं। ये 6 संतरे $80 यानी कि करीब 6,000 रुपए के पड़ेंगे, और उसको खाने के लिए आपको जापान ही जाना पड़ेगा, क्योंकि यह खास संतरा अब सिर्फ जापान में ही मिलता है, कहीं एक्सपोर्ट नहीं किया जाता। इस संतरे की खासियत यह होती है कि ऊपर से थोड़े उभरे हुए होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। नंबर 10, बुद्धा शेप्ड पियर्स। यह नाशपाती कोई आम नाशपाती नहीं है जो हमारे बाजार में मिल जाती है। हम लोगों के हिसाब से तो बाजार में एक ही तरह की नाशपाती मिलती है, जिसका दाम मामूली होता है, और लेकिन इस खास किस्म की नाशपाती का दाम सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। बुद्धा सेब नाशपाती का दाम लगभग 680 रुपए है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 680 रुपए। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि नाशपाती बुद्धा के आकार में होता है। जब पेड़ पर फल आना शुरू होता है, तो एक तरह के सांचे में कर दिया जाता है, जिसमें बुद्धा की फोटो बनी होती है, और सांचे में डालकर यह फल बुद्धा की शेप में आते जाते हैं। नंबर 9, सेम्बिकिया क्वीन स्ट्रॉबेरी। अगर आपको भारत में मिलने वाली स्ट्रॉबेरी महंगी लगती है, तो आपको सेम्बिकिया स्ट्रॉबेरी के बारे में शायद नहीं पता होगा। यह स्ट्रॉबेरी एक पैकेट में करीब 12 आती है, और उस पैकेट की कीमत $85 तक हो सकती है, यानी कि करीब 6,000 रुपए तक। मतलब कि एक स्ट्रॉबेरी की कीमत करीब 500 रुपए तक है। यह स्ट्रॉबेरी इतनी महंगी इसलिए होती है क्योंकि यह कुछ ज्यादा ही स्पेशल है। इनका कोई ब्रांड नहीं है, और ये प्राकृतिक रूप से लाल होती हैं। इसके अलावा ये स्ट्रॉबेरी अलग तरह से भी तैयार की जाती हैं, और कई दिनों तक स्टोर करके भी रखी जा सकती हैं। इसलिए इन स्ट्रॉबेरी की कीमत काफी ज्यादा होती है। नंबर 8, व्हाइट जो स्ट्रॉबेरी। लाल स्ट्रॉबेरी के बाद अब बात करते हैं सफेद स्ट्रॉबेरी की। यह स्ट्रॉबेरी भी जापान में ही उगाई जाती है। इन स्ट्रॉबेरियों का रंग बाहर से सफेद और हल्का गुलाबी होता है, जबकि अंदर से इसका रंग पूरी तरह से सफेद होता है। सफेद होने की वजह से इनके टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि लाल स्ट्रॉबेरी से भी ज्यादा मीठी होती है। इनका टेस्ट शुरुआत में ही ऐसा लगता है जैसे पाइनएप्पल खाया हो, लेकिन बाद में इनका टेस्ट किसी कैंडी की तरह लगता है। अगर बात करें स्ट्रॉबेरी के प्राइस की, तो एक स्ट्रॉबेरी करीब 750 रुपए तक की मिलती है। नंबर 7, स्क्वायर वाटर मेलन। वैसे तो सभी तरबूज अंडे के आकार के होते हैं, और जो हमारे बाजार में मिलते हैं वह भी कुछ अलग नहीं होते, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि तरबूज चौकोर भी होते हैं?
स्क्वायर तरबूज जापान की एक बेहतरीन तकनीक से तैयार किया गया तरबूज है जो बिल्कुल चौकोर होता है और केवल जापान में ही पाया जाता है। यह तरबूज ज्यादातर डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि यह खाने में बहुत स्वादिष्ट नहीं होता। इस चौकोर तरबूज को बनाने के लिए वहाँ के लोग एक प्रकार का फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं। जब तरबूज छोटा ही होता है इस समय तरबूज के ऊपर उस फ्रेम को लगा देते हैं जिससे तरबूज चौकोर शेप ले लेता है। इस तरह के तरबूज की कीमत 74,000 रुपए तक हो सकती है। नंबर 6, पाइन एप्पल फ्रॉम द लॉस्ट गार्डन्स ऑफ हेलिगेन। यूरोप में पाइन एप्पल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं लेकिन हेलिगेन गार्डन एक ऐसी जगह है जहां पर पाइन एप्पल पाए जाते हैं और वह भी बिल्कुल ही स्पेशल तरीके के, क्योंकि इन पाइन एप्पल को पकाने में लगभग 2 साल का समय लगता है और उनको पकाने के लिए घोड़े की खाद और भूसा का इस्तेमाल किया जाता है। यह पाइन एप्पल केवल थोड़े से ही तैयार किए जाते हैं क्योंकि इनको एक अलग वातावरण की जरूरत होती है जिसके लिए बहुत ही ज्यादा खर्चा होता है। यह पाइन एप्पल बिल्कुल पीले रंग का होता है और एक पाइन एप्पल की कीमत करीब 1 लाख रुपए तक होती है। नंबर 5, ताइयो नो तमागो मैंगोज। यह मैंगोज का एक अलग प्रकार का नाम है। यह अलग तरह का होता है, आधा लाल आधा पीला और स्वाद भी नॉर्मल आमों से बिल्कुल अलग होता है। एक बार अगर इस आम को खा लेंगे तो आप इसके दीवाने हो जाएंगे। इस खास किस्म के आम में एक मिठास के साथ अनानास और नारियल का हल्का सा स्वाद आता है। जापान में हर साल सबसे पहले उगाई जाने वाली इस आम को बड़े स्तर पर बेचा जाता है। इसके दाम आसमान छूते हैं। इसको खरीदने के लिए अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छूट जाते हैं। अगर बात करें साल 2017 की तो यहाँ एक जोड़े आम की बोली लगाई गई थी जिसकी कीमत लगाई गई 2.5 लाख रुपए की। इस प्रकार के मैंगोज सर्दी और गर्मी के बीच के मौसम में तैयार किया जाता है। इस आम का वजन लगभग 350 ग्राम तक होता है। अब आप खुद ही सोच सकते हैं जब 700 किलोग्राम की कीमत 2.5 लाख रुपए थी तो 1 किलो आम की कीमत 3 लाख रुपए तक होती है। नंबर 4, रूबी रोमन ग्रेप्स। रूबी रोमन ग्रेप्स जापान में ही पाया जाता है और यह दुनिया का सबसे महंगा अंगूर है क्योंकि इस अंगूर के एक गुच्छे में एक ही साइज के अंगूर मिलेंगे और यह बहुत विशेष तरीके से तैयार किया जाता है। आप सुनकर चौंक जाएंगे कि 2019 में इनका एक अंगूर गुच्छे के नीलामी के दौरान लगभग 8 लाख रुपए में बेचा गया था। एक रूबी रोमन ग्रेप्स का वजन 30 ग्राम होता है और जापान के लोग इन अंगूरों को एक दूसरे को तोहफा देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3, सेकाई इची एप्पल। आपको यह बात थोड़ी चौंका देगी कि सेकाई इची एप्पल की कीमत 1500 रुपए पर पीस होती है। यह सब इतना महंगा इसलिए होता है क्योंकि इसके पेड़ की देखभाल की विशेष जरूरत होती है। सेकाई इची एप्पल दुनिया का सबसे लजीज सेब है और इसका एक सेब करीब 900 ग्राम का होता है और इसको जापान में ही उगाया जाता है। नंबर 2, याबरी मस्क मेलन। क्या आपने सोचा है कि खरबूजे की कीमत भी लाखों में हो सकती है? हाँ, ये आपने बिल्कुल सही सुना कि याबरी मस्क मेलन जो जापान में उगाया जाता है यह दुनिया का सबसे महंगा फल है और दुनिया का सबसे महंगा खरबूज है। यह खरबूज दिखने में तो आम खरबूज जैसा लगता है पर खाने में एकदम लजीज और बहुत स्वादिष्ट होता है। जापान इसको बाहर कम ही एक्सपोर्ट करता है। इस खरबूजे की कीमत करीब 8 लाख रुपए है। नंबर 1, डेंसुके वाटर मेलन। डेंसुके वाटर मेलन को भी जापान में ही उगाया जाता है क्योंकि यह तरबूज इतना बड़ा होता है कि एक तरबूज करीब 10 किलो का होता है और यह आम तरबूज नहीं है जो हमारे बाजारों में मिलता है। यह जापान की तकनीक से उगाया गया एक अलग तरह का तरबूज है जो बहुत ही स्वादिष्ट पानी से भरपूर होता है। यह तरबूज कई कई दिनों तक खराब भी नहीं होता और इस तरबूज की कीमत करीब 4 लाख रुपए तक होती है। और आपको यह तरबूज खाना है तो सिर्फ जापान में जाकर खाया जा सकता है। तो यह थे दुनिया के 12 सबसे महंगे फल जिन्हें खाना तो क्या, देखना भी नसीब नहीं होता है, खरीदना भी आम आदमी के बस के बाहर है। आपको इसमें से कौन सा फल सबसे अच्छा लगा या फिर खाने का मन किया, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कोई और नॉलेजफुल वीडियो में। अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।